बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज प्राचीन इतिहास का सेकंड सेमेस्टर का जो महासंग्राम रिवीजन क्लास हो रही थी आपकी, तो कल क्लास आपकी हो चुकी थी, थोड़ी सी क्लास बची हुई थी, यानी कि लगभग 50 प्रश्न हमने कल डिस्कस कर लिया था, 50 आज के वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आपका लगभग जो है समाप्त हो गया। 50 से अधिक ही आज लगभग और लगभग 60-65 प्रश्नों के बारे में चर्चा करनी है, तो बड़ी तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, ओके, ताकि आपका एक घंटे यानी क्लास जो हो उसमें आपका कंप्लीट हो जाए, ओके। तो प्राचीन इतिहास जो बी ए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। सेकंड सेमेस्टर यानी बी ए फर्स्ट ईयर में आप हैं, बी ए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एंशंट हिस्ट्री का जो एक प्रकार से जो इरा है, यानी कि 600 बीसी से लेकर के 647 एडी तक का जो समयकाल है, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक का जो समयकाल है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, यानी कि भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है 600 बीसी से लेकर के 647 बीसी तक, मतलब एडी तक, ओके। तो इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आप लोगों ने देखा होगा हमें इस प्रकार से प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इससे ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप के मॉडल पेपर आपके तैयार हो जाएंगे। ये महासंग्राम वीडियो है, ये सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना और समझा। अब हम थोड़ा सा यहाँ तक हमने आपको सातवाहन वंश का अंतिम शासक बता दिया था, ये बता दिया था कि यज्ञश्री जो था यज्ञश्री सातकर्णी, ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, ये हमने आपको बता दिया था। और इसने शकों को पुनः पराजित करके मतलब कि करने के बाद में पश्चिमी भारत के कुछ भाग और नर्मदा नदी के तट पर अपना अधिकार कर लेता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी ऑलरेडी, ओके। और पूर्वी तथा पश्चिमी दक्कन पर भी इसने शासन किया, जैसे गुजरात, काठियावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सभी में जो है इसने शासन किया। और मुद्राएं इसकी सभी जगहों से मिलती हैं, इन सभी जगहों से। और यज्ञश्री सातकर्णी ने कुल मिलाकर के 27 सालों तक शासन किया था, और सातवाहन वंश का अंतिम शासक हुआ कौन, यज्ञश्री सातकर्णी। आगे हम बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, 51 नंबर प्रश्न आसानी से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे हर एक प्रश्नों को। चले प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न क्या है कि सातवाहन वंश का पतन कैसे हुआ, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सातवाहन वंश का पतन कैसे हुआ, चले सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे सातवाहन वंश जो है इसका पतन कैसे हुआ भैया। तो सातवाहन वंश के पतन की बात किया, यानी कि मेंशन द डाउनफॉल ऑफ सातवाहन एम्पायर बताएं। तो जो यज्ञश्री सातकर्णी था, इसकी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में सातवाहन जो साम्राज्य है उसके विघटन की शुरुआत हो ही गई। और पुराणों में आप देखेंगे तो यज्ञश्री के पश्चात शासन करने वाले विजय चंद्रश्री तथा चतुर्थ पुलुमावी, इन सभी का उल्लेख मिलता है। और इन राजाओं में कोई योग्य शासक नहीं था जो कि साम्राज्य को विघटन से रोक सकता था। तो हुआ क्या कि तीसरी शताब्दी आते आते सातवाहन वंश जो है यानी साम्राज्य जो था ये छिन्न भिन्न हो जाता है, और एक प्रकार से सातवाहन वंश की एक प्रकार से जो अंतिम शासक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं वो यज्ञश्री सातकर्णी ही आते हैं। बाकी जो चंद्रश्री और ये हैं, ये सब एक प्रकार से विजय चंद्रश्री और चतुर्थ पुलमावी, ये सब एक प्रकार से अयोग्य शासक रहे हैं। तो इन लोगों ने सत्ता को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए, और इस कारण से क्या हुआ, जो सातवाहन वंश था उसका विघटन शुरू हो गया, और वो आते आते तीसरी शताब्दी तक छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से सातवाहन वंश का पतन हुआ। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है, वासुदेव कौन था, वासुदेव कौन था भैया। तो ईसा से लगभग 72 वर्ष पहले ही ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इनके 72 साल पहले ही, उसी को ईसा पूर्व कहा जाता है। इसीलिए जो है आप देखते बी सी बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, नहीं बी सी, और इसको ईसा के मान लेते 72 साल, अगर आगे की बात करना होगा तो 72 ईस्वी बोलेंगे इसको, ओके। तो ईसा मसीह के 72 साल बाद कहेगा तो 72 ईस्वी की बात कर रहा है, ईसा मसीह के 72 साल पहले की यानी पूर्व बात कर रहा, तो यानी कि 72 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहा है। तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, 72 ईसा पूर्व में की बात है वासुदेव के बारे में, यहीं पर आप सुने इसको तो समझ गए ना, ईसा पूर्व और ईस्वी में। अच्छा, ईस्वी को एडी कहा जाता है, एडी माने होता है एनो डोमिनी, एडी माने क्या होता है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होता है कि एक प्रकार से, अच्छा कुछ लोग एनो डोमिनी को आफ्टर जो है डेथ बोलते हैं,
लेकिन ये नहीं है एनोडोमिनी, यानी कि इनके जन्म के बाद का समय काल एनोडोमिनी कहलाता है। इनके जन्म से पहले का समय ईसा मसीह के वो बिफोर क्राइस्ट कहलाता है, यानी कि बीसी कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि इन्हीं को केंद्र में रख करके सन जो बटा है, ईसवी सन जो बना है, इन्हीं ईसा मसीह के जन्म को लेकर के ही बना है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वासुदेव की बात की है तो ईसा से लगभग 72 वर्ष पूर्व शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का वध करके उसका मंत्री जो था वासुदेव, जो देवभूति थे राजा, यानी अंतिम शासक थे शुंग वंश के देवभूति, तो देवभूति का कौन था, देवभूति का मंत्री था कौन, वासुदेव। वासुदेव जो था ये मगध राज्य के सिंहासन पर बैठ जाता है। मगध राज्य का जो है एक प्रकार शुंग वंश चल रहा था उस समय, और उस पर देवभूति शासन कर रहे थे। देवभूति का मतलब कि देवभूति का ही मंत्री था वासुदेव, और वासुदेव ने इसको मार दिया, यानी कि वध कर दिया इसका, और स्वयं राज सिंहासन बैठ जाता है। और उसने जो है वासुदेव ने किस वंश की स्थापना करी थी, इसने शुंग वंश के बाद में आप देखेंगे तो कणव वंश की स्थापना करी। किस वंश की, कणव वंश की स्थापना करी। और कणव जो थे वो ब्राह्मण थे मुख्य रूप से, ये ब्राह्मण थे कौन, जो वासुदेव था ये ब्राह्मण था, यानी कि कणव वंश जो चला ये ब्राह्मणों की परंपरा है ब्राह्मण। और वासुदेव ने केवल 9 वर्षों तक शासन किया है, इसके बाद में इसके जो उत्तराधिकारी लोग आए वो शासन करते रहे, तो ये कणव वंश यहीं से प्रारंभ होती है। तो आप देखेंगे ईसा की मतलब इस 72 ईसा पूर्व ही कणव वंश की इतिहास की शुरुआत हो जाती है। यहाँ तक क्लियर होगी बातें, आगे समझते हैं। 53 नंबर प्रश्न देखें, तो ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा वासुदेव के बारे में, जो अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखें, खारबेल का धर्म क्या था, खारबेल का धर्म क्या था। अच्छा, जिस भी वंश से प्रश्न पूछा जाएगा या तो उसके प्रमुख शासक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, और या तो उसका संस्थापक जो होता है वो पूछा जाता है। क्योंकि अगर वो संस्थापक होगा मतलब वो शासक प्रमुख होगा, वीर होगा, तभी वो किसी धर्म की सॉरी किसी जो है युग की स्थापना कर सकेगा, तभी तो कुछ कर पाएगा। जब वो बलशाली होगा, जब उसके फेवर में कुछ सैनिक होंगे, जब उसके फेवर में कुछ जनता होगी, तभी तो दूसरे वंश की स्थापना होगी इस प्रकार से। तो खारबेल का धर्म क्या था भाई, खारबेल जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि धर्म अवलंबी था कौन, जैन धर्म को मानने वाला था। और इसने उदयगिरी की पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के लिए निवास गृह भी बनवाया था, यानी जो जैन भिक्षु हुआ करते थे उनको रहने के लिए इसने क्या बनवाया था, घर भी बनवाया था। और उसने जैनियों के लिए एक विशाल सभा भवन का भी निर्माण करवाया था। खारबेल ने जैन भिक्षुओं की एक संगीति भी की थी, और मतलब उसने जैन ग्रंथों का भी संकलन करवाया था। तो जैनियों के प्रति इसकी ज़्यादा रुचि रही है, जैन भिक्षुओं के लिए निवास गृह बनवाया, जैनियों का के लिए एक विशाल सभा भवन बनवाया ताकि कभी इकट्ठा होना हो सभी को, तो उसमें आए। खारबेल ने आप देखेंगे तो जैन भिक्षुओं की एक संगति भी मतलब का आयोजन किया था। तो इस प्रकार से जैनियों के प्रति एक प्रकार से ये ज़्यादा रुचि लेता था, और ये जो खारबेल था ये जैन धर्म मानता था, जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्मावलंबी था। ओके, तो खारबेल के बारे में बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, चौवन नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, शुंग वंश के इतिहास की जानकारी किनसे मिलती है। तो भाई शुंग वंश जो है इसके इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। ऐसे इतिहास हम जानते हैं, इतिहास में ना तो इतिहासकार लोग थे जिन्होंने जो है, आजकल के जो इतिहासकार हैं क्या वो उस समय थे जब ये लिखा गया इतिहास, तो इन लोगों ने स्रोतों के हिसाब से क्या किया है, इतिहास के बारे में लिखा है। तो शुंग वंश के इतिहास की जानकारी जो मिलती है, आप देखेंगे हमें पुराणों से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट की रचना इससे मिलती है। इसके अलावा महामात्य, महामात्य एक रचना है पतंजलि की, तो महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित महामात्य, बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित्र, और पुराण तो आपको पता है 18 पुराण है, तो इनके माध्यम से शुंग वंश की जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा माल्मिकाग्निमित्रम ये कालिदास की रचना है, इससे भी शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तारानाथ के वृत्तांत में भी आप देखेंगे तो शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। जैन विद्वान केशवली के विवरण में भी आप देखेंगे तो जो है जानकारी मिलेगी शुंग वंश के बारे में। इसके अलावा आप और देखिएगा जो स्रोत सूत्र है बौधायन का, जो स्रोत सूत्र है आप देखेंगे
उस सूत्र में भी आप देखेंगे स्रोत सूत्र में बोधायन के इसके बारे में जानकारी मिलती है कणोवंश के, और मनुस्मृति में भी आप देखेंगे, दिव्यावधान में भी आप देखिएगा, तो इन सभी ग्रंथों में आप देखेंगे तो इसका विवरण जो है कुछ मात्रा में मिलता है शुंग वंश के बारे में। और कणोवंश भी इसी के तात्पर्य मतलब कि आसपास पड़ता है, तो कणोवंश के बारे में भी जानकारी, लेकिन खास करके शुंग वंश पर पर्याप्त प्रकाश जो है इन अभिलेखों के द्वारा इन ग्रंथों के द्वारा, और खास करके अयोध्या का जो अभिलेख है इससे शुंग वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी हमको मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई, तो ये बात ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ये प्रश्न, 55 नंबर प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप लोग एक बार दो बार देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। पुष्यमित्र शुंग किस प्रकार का शासक था बताएं, पुष्यमित्र जो शुंग था ये किस प्रकार का शासक था भैया, तो पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए, तो पुष्यमित्र शुंग बड़ा ही योग्य और प्रतापी शासक था। इसने क्या किया, विषम परिस्थितियों में ना केवल आंतरिक अव्यवस्था को दूर किया वरन विदेशी आक्रमणों से भी भारत की रक्षा करी, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, और यह एक कुशल शासक था, महत्वाकांक्षी सेनापति भी रहा है और दूरदर्शी राजनीतिक भी था। तो महत्वाकांक्षी सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, कुशल शासक था और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। और पुष्यमित्र शुंग केवल वीर और पराक्रमी ही नहीं वरन साहित्य और कला का भी बहुत बड़ा प्रेमी रहा है, और उसी के काल में आप देखेंगे मनुस्मृति और महाभाष्य जो हमने महामात्य बोल दिया था, पतंजलि की रचना महाभाष्य है। ओके, थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिएगा जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, तो महाभाष्य रचना कर लीजिएगा, महाभाष्य यहाँ पर महामात्य लिखा था, तो मैंने सोचा हो सकता है ये देखिए महाभाष्य कर लीजिएगा, महाभाष्य पतंजलि का बड़ा फेमस है ना, वही मैं सोच रहा था महामात्य का रचना आगे, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है, तो ये देखिए महाभाष्य जो है ये पतंजलि की रचना है, बड़ी फेमस रचना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो महाभाष्य और मनुस्मृति की जो रचना हुई है ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही हुई है, और पुष्यमित्र के काल में ही पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ जो लिखा अष्टाध्यायी, बड़ा फेमस है, पाणिनि का ही ग्रंथ है। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे पूछा जाता रहता है ऑब्जेक्टिव में कि जो है अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो पाणिनि ने लिखा है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और उसके ही काल में आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग काल में ही सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप और बोधगया के इन सभी स्तूपों का विस्तार भी हुआ, और आप देखेंगे बेस नगर का गरुड़ जो स्तंभ है ये भी शुंगकालीन कला का ही अद्भुत नमूना हमारे समक्ष आता है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये बड़ा योग्य और प्रतापी था, कला और साहित्य प्रेमी भी था, हर क्षेत्र से आप देखेंगे इसके काल में विकास ही हुआ है, भारतीय साहित्य का बोले चाहे भारतीय आर्किटेक्चर का देखें, हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में विकास ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए, इसके बारे में हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग या फिर पुष्यमित्र भारत के इतिहास में और विशेष रूप से मध्य भारत के राज्य में एक महत्वशाली युग का प्रवर्तक माना जाता था। ये हेमचंद राय चौधरी जो है ये इतिहासकार हैं, ये इस बात को कहते हैं इसके बारे में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और पुष्यमित्र शुंग शासन की बात की जाए तो इसका शासन कब से कब तक रहा भैया, पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 184 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, ईसा पूर्व से लेकर के आप देखेंगे 148 ईसा पूर्व तक का जो शासन है, यानी कि लगभग और लगभग पड़ेगा आपका 36 साल जो है पुष्यमित्र शुंग जो था इसने शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र होता है अग्निमित्र, इसके पुत्र का क्या नाम है, अग्निमित्र जो होता है इसका पुत्र होता है, और अग्निमित्र जो है ये 8 सालों तक शासन करता है, और अग्निमित्र के बाद में इसका जो बड़ा लड़का होता है उसका नाम है वसुमित्र, और वसुमित्र जो है इसने शासन संभाला। और इस वंश का अंतिम शासक जो होता है मतलब कि शुंग वंश का, वो देवभूति होता है, और देवभूति की हत्या करके जो वसुदेव होता है जो कि उसका मंत्री होता है वो यहीं से कणोवंश की स्थापना कर देता है। इस प्रकार से आप देखेंगे 184 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व यानी लगभग 112 वर्ष तक का जो समयकाल है ये शुंगों का एक प्रकार से शुंग वंश का ही काल रहा है। कब से कब तक, तो 184 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक का जो समयकाल है ये 112 साल का समयकाल शुंगों का राज्य कायम रहा यहाँ पर।
अग्निमित्र, बसुमित्र आए। बसुमित्र 133 ईसा पूर्व से लेकर के 123 ईसा पूर्व तक रहे, और लास्ट में आप देखेंगे तो इनका जो अंतिम शासक रहा है देवभूति, और देवभूति का ही सेनापति था, मतलब मंत्री था वसुदेव, और वसुदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शुंग वंश का पतन हो जाता है और कनौ वंश की उत्पत्ति हो जाती है। ओके, 56 नंबर पर देखेंगे शुंग वंश के शासकों के शासनकालों की अवधि बताइए। देखिए तो पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व से लेकर के 148 ईसा पूर्व यानी 36 वर्ष तक शासन किया, और उसकी मृत्यु के बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने 8 वर्ष तक शासन किया। अग्निमित्र के बाद क्रमशः ज्येष्ठ पुत्र उसका अग्निमित्र के बाद में आप देखेंगे ज्येष्ठ मित्र आता है, बैठता है गद्दी पर, उसके बाद में फिर वसुमित्र आता है, और इसके बाद में इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो देवभूति होता है। देवभूति की हत्या करके ही जो मंत्री होता है वसुदेव, उसका उसने ही हत्या करी थी, बार बार मैंने बताया, उसने कनौ वंश की स्थापना करी। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि 184 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 73 ईसा पूर्व का जो समयकाल है, 112 वर्ष तक का समयकाल जो है ये शुंगों का राज यहाँ पर कायम रहा, यानी शुंग वंश यहाँ पर जो है थे, शुंग वंश की स्थापना मतलब कि जो समयकाल है 112 साल तक शुंगों ने शासन किया। ओके, अग्निमित्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अग्निमित्र कौन था। अग्निमित्र की बात की जाए 57 नंबर प्रश्न, अग्निमित्र जो था ये पुष्पमित्र का उत्तराधिकारी था अग्निमित्र, और इसका उल्लेख आप देखेंगे अग्निमित्र का तो पुराणों में मिलेगा, और जो है मालविकाग्निमित्रम में आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे इसे ज्ञात होता है कि पिता पुत्र में कुछ संबंध अच्छे ना थे, और वह विदिशा का गोप्ता यानी गवर्नर था। कौन? जो अग्निमित्र था, ये कहाँ का गवर्नर था? ये विदिशा का गवर्नर था, और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का रक्षक उसका पुत्र वसुमित्र ही था। मतलब कि जो अग्निमित्र था इसका पुत्र जो था वसुमित्र, वो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का रक्षक था। तो इस प्रकार से अग्निमित्र के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 58 नंबर प्रश्न, देखिएगा पुष्यमित्र शुंग का बौद्ध धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये बौद्ध धर्म का प्रबल विरोधी रहा है, और उसने बौद्ध स्तूपों को नष्ट करने का भी भरसक प्रयास किया। पाटलिपुत्र में कुक्कुटाराम को नष्ट करने के 3 प्रयास किए, किंतु हर प्रयास जो है इसका विफल रहा। लेकिन पुष्यमित्र जो शुंग था ये बौद्ध धर्म का एक प्रकार से विरोधी था, क्योंकि ये सनातनी था। ओके, मुख्य रूप से, और उस समय बौद्ध धर्म का एक प्रकार से आप देखेंगे तो उदय भी हो रहा था, तो इस प्रकार मतलब कि उदय हो चुका था, और एक प्रकार से वो सनातन धर्मियों को अपने में आकर्षित कर रहा था, तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के कारण रहे होंगे उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि नासिक अभिलेख में किसका वर्णन है। नासिक अभिलेख में किसका वर्णन है भैया? नासिक अभिलेख में जो है गौतमी पुत्र सातकिरणी का वर्णन है, और इसमें उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र का उल्लेख भी किया गया है, और जो गौतमी पुत्र सातकिरणी है वह साहसी है, शक्तिशाली है और दयालु भी है। इन सभी बातों का वर्णन जो मिलता है वो नासिक अभिलेख में मिलता है, गौतमी पुत्र सातकिरणी का वर्णन मिलता है। ओके, 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका वर्णन है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में पुरी यानी कि वर्तमान में जो उड़ीसा है उसी को पहले पुरी कहा जाता था, तो उड़ीसा का वर्णन मिलता है उसमें खास करके। और इसमें आप देखेंगे राजा खारवेल के क्रियाकलापों का वार्षिक वर्णन भी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 61 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि गांधार शैली की विशेषता क्या है। गांधार शैली की क्या विशेषता भैया? तो आप देखेंगे कनिष्क यूनानियों ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना आरम्भ कर दी। इसमें भारतीय भाव, भारतीय कला, भारतीय आदर्श को यूनानी ढंग से प्रकट किया गया था, और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवी देवताओं के आधार पर बनाई गईं। और आप ये भी देखेंगे यहाँ पर, चूंकि अब इसमें मिश्रित शैली का प्रयोग होने लगा, और जो मूर्तियां थीं जो देवी देवताओं की मतलब कि एक प्रकार से जो बुद्ध की मूर्तियां थीं उसको यूनानी देवी देवताओं के आधार पर बनाई गईं, और इन मूर्तियों में महात्मा बुद्ध की शारीरिक अवस्थाएं, वस्त्र की बनावट और पहनने का जो ढंग है ये यूनानी कला या सभ्यता की गहरी छाप जो है। और इस कला के प्रमुख केंद्र में आप देखेंगे अफगानिस्तान, और इसके अलावा जलालाबाद, और इसके अलावा हुड्डा, बमियान,
और स्वात घाटी, इसके अलावा पेशावर जिले जो थे इन सभी के केंद्र थे, यानी यहाँ पर इन सभी मूर्तियों के जो है आप देख सकते हो। तो गांधार शैली की यही विशेषता थी। गांधार शैली जो थी ये हुआ क्या कि जो है यूनानियों ने क्या किया, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना आरम्भ कर दी, और इसके हिसाब से उन लोगों ने क्या किया, भारतीय भाव कला और आदर्शों को इन लोगों ने यूनानी ढंग से प्रकट करने का प्रयास किया, और महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को इन्होंने अपनी देवी देवताओं की भांति बनाना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, 62 नंबर प्रश्न है, महायान संप्रदाय की विशेषता बताइए। आप देखेंगे महायान और हीनयान, बुद्ध को एक प्रकार से आप देखेंगे, एक तो बुद्ध बौद्ध धर्म जो है दो धर्म में बढ़ जाता है, एक महायान और एक हीनयान। कितने धर्मों भैया? तो दो धर्मों में, एक महायान और एक हीनयान। तो आप देखेंगे दो धर्मों में विभाजित हो जाता है, दो धर्मों में आपका विभाजित हो जाता है क्या, दो धर्मों में आपका बढ़ जाता है जो बौद्ध धर्म है, महायान और हीनयान। ओके, महायान की बात की जाए, महायान की बात की जाए भैया, तो आप देखेंगे अच्छा मथुरा या गंधार शैली लगभग एक ही आप देखेंगे। ओके, फिर भी आगे समझते हैं। तो महायान और महायान संप्रदाय की विशेषता बताइए। तो महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते थे, वे ज्ञान के स्थान पर बुद्ध व बोधिसत्वों के प्रति श्रद्धा भक्ति और मतलब कि भक्ति और श्रद्धा पर अधिक बल देते थे, और इनका मत था महायानियों का कि बुद्ध के प्रति भक्ति व निष्ठा रखने, स्तूप चैत्य आदि बनवाने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। निर्वाण माने मोक्ष, जो हिंदू में मोक्ष कहा जाता है उसी को बौद्धों में निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण प्राप्त हो सकता है अगर हम बुद्ध की भक्ति करेंगे, बुद्ध के प्रति निष्ठा रखेंगे, और इसके अलावा बुद्ध का स्तूप और चैत्य बनवाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमको मोक्ष मिलेगा। और महायान के दार्शनिक सिद्धांतों के साथ साथ आकर्षक धार्मिक क्रियाविधियों एवं सक्रिय मानवतावादी परोपकारी कार्यक्रम भी अपना लिए गए थे महायान संप्रदाय के द्वारा। तो इस प्रकार से महायान संप्रदाय की विशेषता थी जो कि मैंने आपको बताई। 63 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपका रिवीजन हो रहा है, आपको सारे प्रश्नों को रटने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। प्रश्न देखें, भारतीय मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव किस प्रकार से था? तो भारतीय मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव अस्पष्ट दृष्टिगोचर दिखाई पड़ता है। इस युग में आप देखेंगे मथुरा में बुद्ध बोधिसत्वों तथा बौद्ध धर्म के संभव मतलब के संबंध में आने वाली सहस्त्रों मूर्तियां बनाई गई, जिस पर भाव और ये सब सारी चीज़ें तो भारत की थी, जो आकार था भारत का था, लेकिन आप देखेंगे उस पर प्रभाव जो था किस शैली का था, यूनानी शैली का था। तो भारतीय मूर्तिकला पर यूनानी शैलियों का प्रभाव मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर दिया है गांधार शैली में। ओके, क्लियर हो गया। स्मित कहते हैं कि रोमन शैली थी जो एशिया माइनर में प्रचलित थी, और यह कला 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक प्रचलित रही। मार्शल कहते हैं कि गांधार कला में यूनानी और ईरानी कला का सम्मिश्रण सिकंदर के ईरान और अफगानिस्तान में यूनानी साम्राज्य की स्थापना के कारण और बैक्ट्रिया में यूनान संप्रदाय की स्थापना के कारण से हुआ था, और बाद में उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी सकुशाण राज्य के फलस्वरूप जो है ये हुआ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारतीय जो कहीं ना कहीं पे जो विधि थी उसमें कई प्रकार की मिलावटें आती गई धीरे धीरे। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय सिक्कों पर यूनानी प्रभाव को बताइए। तो भारतीय सिक्कों पर यूनानी शैली का प्रभाव था, और कनिष्क की जो स्वर्ण मुद्राएं सुंदर आकर्षक एवं सुडोल होती थी, और उन पर देवी देवताओं की कलापूर्ण आकृतियां अंकित होती थीं, इन पर यूनानी शैली का ही प्रभाव था, और यूनानियों ने सिक्कों के आकार तथा सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया था। और ख़ास करके वही ध्यान आप देखेंगे उसी प्रकार के सिक्के कनिष्क की जो स्वर्ण मुद्राएँ हैं वो एकदम से उस पर देवी देवताओं का चित्र और बड़े सुंदर सुंदर सिक्के आपको दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, 65 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए क्या किया? तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसके समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय हुआ। उसने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए भिक्षुओं को मध्य एशिया, तिब्बत, चीन और जापान को भेजा, और जो है कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया, और कला और साहित्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो कनिष्क का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी इसका अपना योगदान भी रहा है, और पुरुषपुर खास करके को उसने सुंदर इमारतों से सुशोभित भी किया, और वहां पर उसने 13 मंजिल का एक स्तंभ भी बनवाया था पुरुषपुर में,
और इसके अलावा उसने बिहार का निर्माण करवाया, स्तूप भी बनवाए, भवन भी बनवाए और प्रस्तर मूर्तियों का भी आप देखेंगे तो निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तमाम प्रकार की मूर्तियों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, भवनों का निर्माण, बिहारों का निर्माण, बौद्ध बिहारों का निर्माण, 13 मंजिल का एक स्तंभ बनवाया पुरुषपुर में और तमाम प्रकार की इमारतें बनवाई वहाँ पर। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है और बौद्ध संगति जो चतुर्थ हुई थी वो कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। तो इस प्रकार से कनिष्क के बारे में आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के लिए इसने क्या क्या किया था। 66 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वान का नाम बताइए। कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वानों के नाम बताएं। तो भाई देखेंगे कनिष्क के दरबार में पार्श्व नामक विद्वान रहते थे, बसुमित्र भी थे जो कि बड़े विद्वान थे, अश्वघोष भी बड़े विद्वान हैं, नागार्जुन थे इन्हीं के ही दरबार में कनिष्क के, चरक जैसे महान विद्वान, ये सब कनिष्क के दरबार के ही विद्वान हैं, बड़े फेमस और प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं, चाहे पार्श्व हों, चाहे वसुमित्र हों, चाहे अश्वघोष हों, चाहे नागार्जुन हों और चाहे चरक हों। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक बौद्ध धर्म का एक प्रकार से प्रसिद्ध महाकाव्य भी लिखा। इसके अलावा सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक भी आप देखेंगे तो ये अश्वघोष ने ही लिखा। नागार्जुन ने एक प्रकार से माध्यमिक काशिक और प्रज्ञा पारमिता ये सूत्र शास्त्र का रचना करी और इसके शासनकाल में आप देखेंगे कनिष्क के तो और भी अनेक ग्रंथ लिखे गए। इनके काल में आप देखेंगे संस्कृत भाषा का प्रबल रूप से विकास हुआ कनिष्क के दरबार में। तो इस प्रकार से कनिष्क के बारे में जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी। और कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म का संरक्षक है, ये स्पष्ट करने को लेकर कभी कभी प्रश्न आता है कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक स्पष्ट कीजिए, तो बिल्कुल है कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे जो होयन सांग है यानी युआन चांग है जो कि चीनी यात्री है और अलबरूनी जो है वो उसके लेखों से पता चलता है कि पेशावर में एक विशाल विहार भी बनवाया था इसने जो कि सारे बौद्ध जगत से प्रसिद्ध, मतलब कि आप देखेंगे सारे बौद्ध जगतों में ये ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म का एक प्रकार से अनुयायी रहा होगा कनिष्क और बौद्ध साहित्य में भी उसका एक उत्साही बौद्ध के रूप में भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई और तमाम प्रकार के स्तूपों का निर्माण, तमाम प्रकार की चीज़ों का निर्माण करवाया था किसने, कनिष्क ने। ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था, इसमें दो राय नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न है, डियोडोटस कौन था। डियोडोटस कौन था भैया, डियोडोटस जो था ये कौन था। तो डियोडोटस प्रथम स्वतंत्र बैक्टीरिया का शासक था। कौन था ये, डियोडोटस जो था ये प्रथम स्वतंत्र जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया जो राज्य था उसका शासक था और यह यूनानी साम्राज्य का संस्थापक था। डियोडोटस जो है ये यूनानी साम्राज्य का संस्थापक था और यह एक शक्तिशाली शासक था डियोडोटस। डियोडोटस प्रथम की मृत्यु के बाद 240 ईसा पूर्व में उसका पुत्र डियोडोटस द्वितीय शासक गद्दी पर बैठता है और उसने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए पार्थिया की संधि भी कर ली थी। ओके, तो आपसे पूछेगा पार्थिया की संधि किसने करी थी, डियोडोटस द्वितीय ने करी थी। गद्दी पर कब बैठा था, अपने पिता की मृत्यु के बाद में 240 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। 68 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, मीनांडर के साम्राज्य की सीमाएँ बताइए। मीनांडर के साम्राज्य की सीमाएँ बताइए भाई, तो साम्राज्य सीमाएँ जो मीनांडर की थी, अफगानिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब, सिंधु, राजपूताना, काठियावाड़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक जो है ये मीनांडर की इसका साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम में कपिसा, पश्चिम में सिंध, दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे बेरी गाजा तक और दक्षिण की अगर बात की जाए, दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में बुंदेलखंड तक और पूरब में आप देखेंगे तो मथुरा तक जो है इस राज्य का मीनांडर का क्षेत्र जो है ये विस्तृत था। ओके, मीनांडर कौन था, मीनांडर के बारे में जान ले भाई थोड़ा सा, मीनांडर था कौन। तो मीनांडर का जन्म जो था ये अलसंड नामक द्वीप के कलसी नामक ग्राम में हुआ था और यह द्वीप मिस्र का एक प्रकार से अलेक्जेंड्रिया अथवा काबुल के पास स्थित अलेक्जेंड्रिया ही है, तो उसी अलेक्जेंड्रिया द्वीप भी इसी कहा जाता है कभी कभी, अलेक्जेंड्रिया द्वीप भी के नाम, मतलब अलेक्जेंड्रिया द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और एक कुशल सेनापति था ये जो मीनांडर था और युद्ध कला में प्रवीण था, सिकंदर से अधिक राज्यों को इसने जीता था और वह अनेक राज्यों के संयुक्त साम्राज्य पर शासन संचालित करता था क्योंकि विभिन्न राज्यों की मुद्राओं में अंतर हुआ करता था। ठीक है, और इसके बारे में स्ट्रेबो कहते हैं कि मीनांडर यमुना नदी तक पहुंच गया था, मथुरा से उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के प्राप्त होते हैं। आप समझ सकते हो किस प्रकार से इसने किया था। तो
साधारण कुल में इसका जन्म होता है। मिनांडर का सैनिक कुशलता एवं अनुभव के आधार पर डिमेट्रियस ने उसे सेनापति बनाया था, और फिर अपनी पुत्री जो थी उसकी पुत्री थी एगाथोल्किया। डिमेट्रियस की पुत्री थी किसका, उसका क्या नाम था, एगाथोल्किया, उसी से विवाह होता है मिनांडर का, और इस तरह से उसका राजवंश से संबंध स्थापित हो जाता है। और फिर उसके बाद में इसकी और भी तमाम प्रकार की जो है विजय हमारे समक्ष आती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न आपके समक्ष, शक कौन थे, शक कौन थे भैया, तो शक जो थे मूल रूप से सीर दरिया के उत्तर में निवास करने वाली एक खानाबदोश व बर्बर जाति थी। खानाबदोश माने जनजाति की टाइप की थी, और 165 ईसा पूर्व में यूची नामक एक अन्य जाति ने उन्हें वहां से निकाल भी दिया था। शकों ने बैक्टीरिया पर अपना अधिकार कर लिया, यूची जाति ने शकों को वहां से भी निकाल दिया, और यहां से भागकर हेलमंड घाटी में आकर के बस जाते हैं शक, और इस स्थान को शक स्थान भी कहा गया। यहां से आकर के सिंध प्रदेश में अपना निवास स्थान बना लेते हैं शक लोग, और शकों के कारण इस स्थान को शक द्वीप भी कहा जाता था। इस प्रकार से शकों के बारे में जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय शक राजाओं में प्रथम जो था तक्षशिला का शासक माबेज था, और यह एक शक्तिशाली शासक था। इसने महाराजा जो भोज थे, मतलब इन्हें, मतलब इन इन उसे जो है जो ये था शक, यानी कि जो पहले तक्षशिला का प्रथम शासक था, यानी जो माबेज था, इसको महाराजा भोग भी कहा गया है। और पर्थियन शासक के निर्बल हो जाने पर इसने स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लिया अपना, और माबेज का शासन पंजाब तक फैला हुआ था। और इसने आप देखेंगे तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण में शासन किया था। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें थीं जो कि मैंने आपको बताई शकों के बारे में। ओके, तो शक समझ में आ गया क्या थे, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखेंगे यहाँ पर प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रथम भारतीय शक शासक कौन था। तो भारतीय शक राजाओं में प्रथम जो था तक्षशिला का शासक कौन था, माबेज था, और यह एक शक्तिशाली शासक था। इसे महाराजा भोग भी कहा जाता है, और पर्थियन शासक के निर्बल हो जाने पर इसने स्वतंत्र राज्य स्थापित भी कर लिया था, और माबेज का शासन पंजाब तक फैला हुआ था, और इसने ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण में भी शासन किया था। ये था, हमने पहले ही बता रखा था, आपको भी बता दिया था। अब 72 नंबर प्रश्न है, चस्टन वंश का संस्थापक कौन था भैया, चस्टन वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चस्टन डायनेस्टी, बताने का प्रयास करेंगे। चस्टन वंश का जो संस्थापक था भैया, वो यासा मोतिक के पुत्र चस्टन को चस्टन वंश का संस्थापक माना जाता है। यासा मोतिक का लड़का था चस्टन, और इसने जो है चस्टन वंश का स्थापना करी, इसलिए इसी को चस्टन वंश का संस्थापक कहा जाता है। चस्टन ने 130 सिख के लगभग शासन किया, मतलब 130 के लगभग शासन किया, और आप देखेंगे चस्टन की अगर बात की, तो चस्टन जो था इसने 78 ईस्वी का जो शक संवत है इसने ही चलवाया था, और 130 सालों तक के, मतलब कि 130 के लगभग तक शासन किया ये। और शकों के एक वंश के ने उज्जैन पर आक्रमण किया, मतलब कि शकों के एक वंश ने उज्जैन पर आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और शकों के इस वंश को चस्टन वंश भी कहा जाता है। चस्टन वंश का शासन उज्जैन और कालियाबाड़ जो था उसी में था खास करके। तो इस प्रकार से चस्टन वंश जो है ये आता है, ये चस्टन वंश जो है ये शकों का एक प्रकार से ही आप देखेंगे एक वंश, यानी शकों का ही इकाई के रूप में आता है। 73 नंबर पर साम देखिएगा, रुद्रदामन कौन था, रुद्रदामन कौन था भैया, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को और भी पता चले कि हाँ एक ही वीडियो के माध्यम से तमाम प्रकार के प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्रदामन कौन था भाई, रुद्रदामन जो था एक महान विजेता था, साम्राज्य निर्माता था, उदार शासक था, हिंदू धर्म एवं संस्कृति का महान उन्नायक था रुद्रदामन, और इसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। इसका शासन का समय जो था 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक माना जाता है, और आप देखेंगे तो इससे पहले 130 तक इसने शासन किया था, तो उसका क्या नाम है, अभी मैंने बताया आपको उसका क्या नाम है भाई, चस्टन। ओके, इस प्रकार से आप देखें चस्टन वंश वहाँ से चलता है, आगे देखते हैं। तो ये एक महान विजेता था, और इस प्रकार से आप लोगों ने देखा धर्म प्रेमी था, अपनी कीर्ति फैलाने का एक प्रकार से प्रयत्न इसने किया, गौ ब्राह्मणों का संरक्षक था ये,
तो इस प्रकार से ये रुद्रदामन जो था, ये बड़ा एक प्रकार से बात की जाए तो भारत के प्राचीन इतिहास में गौरवपूर्ण इसको स्थान प्राप्त होता है रुद्रदामन को। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात ये थी इसकी कि रुद्रदामन जिसको युद्ध में हरा देता था, जिस भी राजा को रुद्रदामन हरा देता था उसको मारता नहीं था, उसकी हत्या नहीं करवाता था। ये बात इसकी बड़ी अच्छी बात थी। अगला प्रश्न है, 74 नंबर प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक जो था मित्रदात प्रथम था, 171 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 130 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है आप देखेंगे तो इसी का शासनकाल है मित्रदात प्रथम का। और पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक मित्रदात द्वितीय हुआ और उसने शकों को पराजित कर सीस्तान तथा कांधार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भारत पर आक्रमण करने वाले पर्थियन क्षत्रप मूलतः सीस्तान एवं आरकोसिया से आए हुए थे और भारतीय ग्रंथों में इन्हें पल्लव कहा गया और भारत में शासन करने वाले पल्लव वंश के बहुत से शासक हुए हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय शासन तंत्र के विकास में शकों का प्रमुख योगदान क्या था? भाई तो शकों की बात किया तो इन्होंने पारसी क्षत्रप प्रणाली का प्रचलन किया था जो है शकों ने, और क्षत्रप शब्द ईरानी छत्र पावन से बना हुआ है जिसका मतलब होता है प्रांत या शासक, और शकों का साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जहाँ छत्रप शासन किया करते थे। ओके, छत्रप जो कि प्रांतों में शासन करते थे उनको छत्रप कहा जाता था और प्रत्येक प्रांत में दो छत्रप हुआ करते थे, एक महाछत्रप होता था और दूसरा छत्रप होता था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, 76 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त को व्याघ्र पराक्रम क्यों कहा गया? बताने का प्रयास करेंगे, व्याघ्र पराक्रम। ओके, तो चंद्रगुप्त जो था इसने अपने क्षत्रियों पर व्याघ्र की भांति टूट पड़ा था, इसीलिए उसे व्याघ्र पराक्रम से विभूषित किया गया और उसने आप देखेंगे उत्तरी भारत के 9 राज्यों 8 बीग राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों, सीमांत क्षेत्र के 5 राज्यों और 9 गणराज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। किसने? चंद्रगुप्त ने। ओके, नेक्स्ट पर देखिएगा, समुद्रगुप्त तथा नेपोलियन में प्रमुख अंतर क्या था? चूँकि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से या नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन था ये बात कही जाती है। अच्छा, इसके बारे में बात की जाए, नेपोलियन और समुद्रगुप्त की बात की जाए, ये तुलना जो है निराधार है। स्मिथ महोदय ने नेपोलियन के सेनानायक और विजेता के रूप में समुद्रगुप्त की तुलना करी है, किंतु नेपोलियन की विजयों का स्वरूप युद्ध कला इत्यादि संबंध में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, किंतु समुद्रगुप्त की विजयों में केवल विजित क्षेत्रों का ही नाम मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। खास करके आप देखें नेपोलियन जो है वो उसके बारे में ऐतिहासिक तथ्यात्मक जानकारी है, लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी है अच्छी खासी मात्रा में। और समुद्रगुप्त पहले समुद्रगुप्त बहुत पहले था इससे, यानी नेपोलियन बाद में, नेपोलियन का जन्म बाद में होता है, समुद्रगुप्त का जन्म पहले होता है, तो समुद्रगुप्त से तुलना करनी चाहिए नेपोलियन का, यानी कि भारत का जो है समुद्रगुप्त कहा जाता है नेपोलियन को, इस प्रकार से बोलना चाहिए, यानी कि भारत का नेपोलियन नहीं कहा जाना चाहिए इसको, क्योंकि नेपोलियन से तुलना थोड़ी ना कर रहे हैं हम समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से कर, समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन का एक प्रकार से आदर्श रहा है। ओके, ये होना चाहिए। चले, अच्छा अंतर देख लेते हैं, तो साम्राज्य के स्थायित्व का अंतर देख लेते हैं। एक अंतर, समुद्रगुप्त सारे भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा था जिसमें उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी, और इस राज्य का भी समुद्रगुप्त ने स्वयं उपभोग भी किया और उसकी मृत्यु के बाद उसका उपभोग करके उपभोग उसके उत्तराधिकारी करते रहे, उसका साम्राज्य अस्थायी रहा। किंतु नेपोलियन को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, नेपोलियन द्वारा विजित राज्य अस्थायी नहीं हुए थे और वह थोड़े समय के में ही नष्ट हो गए थे नेपोलियन के द्वारा, जबकि समुद्रगुप्त देखिए इतना भय बना के रखा था, इसके जो उत्तराधिकारी लोग हुए हैं वो भी शासन करते रहे, तो आप देखो नेपोलियन ज़्यादा बेटर है या समुद्रगुप्त ज़्यादा बेटर है नेपोलियन से। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, समुद्रगुप्त जो भी युद्ध लड़ा था आज तक वो कभी हारा ही नहीं था, एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जो कि समुद्रगुप्त हार गया हो, 100 से अधिक युद्ध लड़ा, 100 के 100 युद्धों को जीता, इसीलिए इसको साकार की उपाधि, शकों को पराजित करने वाले को साकार भी कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सांची के मंदिरों की विशेषताएं लिखिए।
तो सांची के मंदिर जो हुआ करते थे ये मंदिर वर्गाकार रूप में बनाए गए थे और कहीं कहीं पर आप देखेंगे उनका आकार आयताकार भी है, कहीं कहीं पर वर्गाकार है। और गर्भगृह की बात की जाए यानी पूजा जहाँ पर होती उसी को गर्भगृह या पूजा गृह कहा जाता है। उसके आगे ड्योढ़ी बनाई गई थी, ड्योढ़ी माने दलान, ओके, ताकि लोग जो है जिसकी छत स्तंभों पर बनाई गई थी। मंदिरों की दीवारें एकदम सादा है, छत का मतलब कि आकार जो है आयताकार है और पाषाण खंडों की बनी हुई है यानी पत्थर की खंडों से। स्तंभों तथा द्वार की चौखटे पर प्रचुर सजावट की जाती थी। इस प्रकार समतल छत, सादा वर्गीय आकार और सादा दीवारें इस शैली की विशेषताएं थी सांची के मंदिरों की, ओके। अगला प्रश्न देखेंगे, कुठारा के पार्वती मंदिर की विशेषताएं बताइए। 79 नंबर प्रश्न, कुठारा के पार्वती मंदिर की विशेषताएं बताइए। तो इस मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार तथा इसकी छत समतल है। गर्भगृह के चारों ओर समतल छत का गलियारा आप देखेंगे और यह गलियारा प्रदक्षिणा के काम आता है। जब जो है लोग प्रदक्षिणा करते हैं कि जो है यहाँ तो देवगढ़ा सर्वे पूजा मदाय मामिका मिष्ट कामना सिद्धत पुनर्गमना चा, और इसी प्रकार से प्रदक्षिणे पदे पदे आप देखते रक्ष रक्ष गढ़ा अध्यक्ष रक्ष लोक रक्षका भक्ता नाम भयम करता ताता भव भ्रमणवा भ्रमणवाद द्वय मातुर कृपा सिंधु सा मातुरा गज प्रभो वरदत्तम वरम देहि वाचितम सफलम भवे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो कुठारा का जो पार्वती मंदिर है इसकी विशेषता यही है, गर्भगृह के चारों ओर समतल छत का गलियारा है और यह गलियारा प्रदक्षिणा के काम में आता था। गर्भगृह वर्गाकार है, इसकी छत जो है वो समतल है। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, अजंता गुफाओं की क्या विशेषता है। तो अजंता की गुफाओं की चित्रकला जो है इस काल की चित्रकारी का उत्कृष्ट नमूना है और वो बड़ी फेमस है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि जो चित्रकारी हुई है ये बड़ी अच्छी है जो गर्भगृह में मतलब कि अजंता की गुफाओं में है। अंदर अजंता के भित्ति चित्रों में मनुष्य के जीवन के अनेक पहलुओं, पशु पक्षियों के जीवन तथा प्रकृति के सुंदर रूपों का चित्रण आप देखेंगे अजंता की गुफाओं में मिलेगा। कभी टाइम मिले तो आप जरूर एक बार टहलने जाइएगा। 81 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, फाहियान कौन था भाई। तो फाहियान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत में आया था। फाहियान ने 3 वर्ष मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बिताया और वहाँ रह करके संस्कृत भी पढ़ी थी, इसने फाहियान ने, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 82 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, प्रयाग प्रशस्ति में क्या विवरण है। बताएं प्रयाग प्रशस्ति में क्या विवरण है भैया। तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के किले में मौर्य सम्राट अशोक के एक स्तंभ में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का उत्कीर्ण जो है कराया हुआ एक लेख है जिसमें उसकी विजयों का उल्लेख किया गया है समुद्रगुप्त के बारे में, और यह प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और इसका लेखक जो है कौन है, हरिसेन है। यानी जो प्रयाग प्रशस्ति में जो लिखा है उसमें उसका लेखक कौन है, उसका लेखक है हरिसेन। और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है, उसकी विजयों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। और इसने समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, उसका चरित्र कहा था उसके बारे में, और जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ थी उनका वर्णन लगभग 33 पंक्तियों में संस्कृत भाषा में किया है हरिसेन ने, इसमें प्रयाग प्रशस्ति में, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 83 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। 83 नंबर प्रश्न है, फाहियान ने मगध का वर्णन किस प्रकार किया है। फाहियान ने मगध का वर्णन किस प्रकार से किया है भैया। तो फाहियान ने मगध का जो वर्णन किया आप देखें, इन्होंने कहा फाहियान ने कि धनी लोगों तथा गृहस्थों ने नगर में चिकित्सालय बनवा दिए हैं जिनमें सब देशों के दरिद्र लंगड़े लूले तथा बीमार लोग आते हैं तथा उन्हें हर प्रकार की सहायता निःशुल्क मिलती है। इस प्रकार से फाहियान ने मगध का वर्णन किया और आगे कहता है फाहियान कि जो है वैद्य लोग उनके रोगों का निदान करते हैं और तदनुसार उनके भोजन, उनके पिए और औषधि इन सभी की व्यवस्था की जाती है निःशुल्क रूप से। अच्छे होने पर अपनी सुविधा के अनुसार वे अपने घरों को चले जाते हैं। इस प्रकार से फाहियान ने मगध साम्राज्य के बारे में बताया था। 84 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, 84 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि गुप्त काल में लिखे गए 4 प्रमुख ग्रंथों तथा उनके लेखकों के नाम बताइए। गुप्त काल में कौन से 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए और उनके लेखक कौन है ये भी बताने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे गुप्त काल में खास करके पहला जो ग्रंथ है कुमार संभव, दूसरा आपका रघुवंश, तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम और चौथा विक्रमोवर्षीयम और फिर मेघदूत और ऋतु संहार। ये इन सभी के लेखक जो है अकेले जो है इन सभी के रचनाएं देखेंगे आप।
कुमार संभो, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मेघदूत और ऋतु संहार, ये सब अकेले लेखक किसके हैं? ये इसके लेखक कालिदास है। ये गुप्त काल में ही लिखी गई, इसीलिए तो गुप्त काल को इतिहास का, आप देखेंगे भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त काल को, क्योंकि इसमें कालिदास ने तमाम प्रकार, या अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे एक प्रकार से रचना लिखी, रघुवंश, कुमार संभवम रचना लिखी, ये सब बड़ी फेमस रचनाएँ हैं। इसके अलावा जो दूसरी रचना है आपकी वो किरातार्जुनीयम, ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। किरातार्जुनीयम जो है महाकवि भारावी जो हैं इनके द्वारा लिखी गई ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत साहित्य में आप लोग इसको पढ़ते हैं। अगली जो रचना है वो रावण वध जो है ये लेखक भट्टी ने लिखा था इसको। इसके अलावा जो चौथा रचना है गुप्त काल में लिखी गई वो मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम जो है इसके लेखक कौन है? शूद्रक जो है इसके लेखक हैं। तो ये बड़ी फेमस चीज़ें हैं। ओके, ये बात ध्यान रखें। तो भारावी के द्वारा लिखा गया क्या? किरातार्जुनीयम। भट्टी के ने क्या लिखा है? रावण वध। शूद्रक ने क्या लिखा? मृच्छकटिकम। और कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रोवर्षीयम, मेघदूत और ऋतु संहार, इसको लिखा है कालिदास ने। इस प्रकार से क्लियर हो गई बातें। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, 85 नंबर प्रश्न देखिएगा, 85 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, बारह मिहिर कौन थे? तो बारह मिहिर ने अपनी पुस्तक बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र तथा प्राकृतिक इतिहास आदि विषयों की चर्चा करी है, और इन्होंने पंच सिद्धांत, बृहज जातक, लघु जातक, इन सभी ग्रंथों की भी रचना करी है। और ये बारह मिहिर जो हैं ये एक जो है केमिस्ट है, यानी कि केमिस्ट मतलब बोल दिया मैंने, मतलब केमिस्ट्री के एक प्रकार से जानकार है, रसायन शास्त्री हैं ये, और धातु विज्ञान में भी इनकी विशेष रुचि है। तो इसी के ये महान आचार्य हैं, धातु विज्ञान और रसायन शास्त्र के महान आचार्य के रूप में बारह मिहिर का नाम आता है, और बड़े फेमस हैं ये। ओके, आज भी लोग जो है इनके बारे में शोध करते हैं। अगला प्रश्न 86 नंबर, आर्यभट्ट कौन थे? भैया आर्यभट्ट का नाम कौन नहीं जानता है? भारत में रहकर के जो व्यक्ति आर्यभट्ट का नाम नहीं जानते हैं वो भारत की एक प्रकार से विद्वता को नहीं पहचान पाए, इसका मतलब। आर्यभट्ट ने सोने की भी खोज करी थी, आपने देखा होगा, और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट, और इसी युग में हुए थे, यानी कि गुप्त काल के ही हैं। इन्होंने आर्यभट्टीयम की रचना करी, और कुछ विद्वान सूर्य सिद्धांत को भी इन्हीं का लिखा हुआ मानते हैं, जिसमें सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के कारण भी बतलाए गए हैं। आर्यभट्ट पहले विद्वान थे जिन्होंने घोषणा करी थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आप सोचो उस समय आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर घूमती, जिस प्रकार से लट्टू जो होता घूमता है उसी प्रकार से पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, ऐसा बताया था किसने? आर्यभट्ट ने बताया था। सूर्य सिद्धांत भी इन्हीं का ही है, बहुत सारे विद्वानों ने इसके तर्क भी दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, 87 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, अस्कंद गुप्त कौन था? भैया अस्कंद गुप्त जो है, अस्कंद गुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था। अस्कंद गुप्त की नाटक है, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा, आप पढ़िएगा कभी जयशंकर प्रसाद का अस्कंद गुप्त नाटक। तो ये गुप्त वंश के अंतिम महान सम्राट हैं अस्कंद गुप्त, और वह अपने पिता के समय में अपने ही जो है पराक्रम और सैनिक योग्यता का परिचय दे चुका था। कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद में अस्कंद गुप्त जो है ये गद्दी पर बैठता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 88 नंबर प्रश्न है, अस्कंद गुप्त का इतिहास में क्या स्थान है? तो अस्कंद गुप्त का इतिहास में उच्च स्थान है। अस्कंद गुप्त जो थे विष्णु भगवान के उपासक थे, और इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी अपनाई, और उसने भी विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण किया, यानी विक्रमादित्य की ही भांति जो है इसने कार्य किया। अगला प्रश्न आपके समक्ष 89 नंबर देखेंगे, क्या गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था? बिल्कुल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुप्त राजा बालादित्य तथा मालवा के यशोवर्मन ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और मिहिर कुल पर आक्रमण कर उसे पराजित किया, और उसे मालवा तथा मगध को से खदेड़ दिया। मिहिर कुल के बाद में भारत से होड़ों का अस्तित्व मिट गया, और होड़ों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को बहुत क्षति भी पहुंचाई थी। खास करके आप देखिए गुप्त साम्राज्य जो है ये हिंदी साहित्य का, मतलब कि हिंदी साहित्य बोल रहा हूँ, ये गुप्त काल हर माने में आप देखेंगे, हर मामले में आप देखेंगे गुप्त काल जो है ये स्वर्ण काल रहा है। क्यों स्वर्ण काल रहा है? इसके भी कई कारण हैं। आप देखेंगे गुप्त काल जो है इसमें आप देखेंगे तमाम प्रकार की रचनाएं हुई हैं, चाहे आर्यभट्ट की रचनाएं हों, कालिदास की रचनाएं हों, महाकवि भारावी की रचनाएं हों, इसी प्रकार से अन्य रचनाएं हों, तमाम प्रकार की रचनाओं के माध्यम से इसमें देखेंगे सांची के मंदिर, कुठारा का पार्वती मंदिर, ये तमाम प्रकार के मंदिर हर क्षेत्रों में आप देखेंगे। गुप्त काल में चित्रकला अपने चरम पर थी, और बड़े बड़े शासक भी हुए हैं जिन्होंने मतलब अलग अलग तरीके से क्या किया है, जो है प्रभावित किया है लोगों को। तो इस प्रकार से गुप्त काल के बारे में जानकारी जो है, या गुप्त काल जो है ये इतिहास का स्वर्ण युग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, 90 नंबर प्रश्न देखेंगे,
90 नंबर प्रश्न देखिएगा, होड़ो का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो होड़ो ने हिंदू रीति रिवाजों को अपना करके भारतीय जाति रचना को प्रभावित किया। डॉक्टर स्मिथ एक इतिहासकार हैं, वह अन्य विद्वान जो हैं उन सभी का विचार है कि होड़ो के द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के कारण से जिन नवीन वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ उसे राजपूत कहा गया। कुछ विद्वान मानते हैं स्मिथ और कुछ विद्वान और मानते हैं कि जो हूण आए उन्होंने भारतीय स्त्रियों से विवाह किया और उनसे जो उत्पन्न संतान हुई उन्हीं को राजपूत कहा गया और हूणों के रक्त के सम्मिश्रण से आर्यों के उच्च आदर्शों पर भी प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति भी हूणों से कुछ विद्वान मानते हैं। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 91 नंबर प्रश्न देखिएगा, होड़ों का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो होड़ों का भारतीय संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। होड़ों ने भारत में अनेक बिहारों मंदिरों को तोड़ डाला और अनेक सुंदर कलाकृतियों को नष्ट भी कर दिया और एक प्रकार से भारतीय इतिहास के स्रोतों को भी नष्ट कर दिया इन्होंने होड़ों ने, और बौद्ध धर्म को भी होड़ों ने समाप्त करने का प्रयास किया और इस प्रकार कला एवं धर्म दोनों को ही होड़ों ने क्षति पहुँचाई भारत में। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। 92 नंबर प्रश्न है, वाकाटक कौन थे भैया? वाकाटक कौन थे फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। वाकाटक जो थे ब्राह्मण वंशीय शासक थे। वाकाटक जो थे ये ब्राह्मण वंश के शासक थे। इस वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने की थी जो कि एक बरार का सामंत थे। ये बरार जो एरिया है उसके सामंत थे बिंद शक्ति, और बिंद शक्ति ने 255 ईस्वी से लेकर के 275 ईस्वी तक जो है शासन किया। ओके, वाकाटक वंश के राजाओं के नाम और कार्यकाल के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया कि वाकाटक वंश के राजाओं के नाम व कार्यकाल बताइए। तो बिंद शक्ति जिन्होंने जो है वाकाटक वंश की स्थापना करी थी उनकी बात की जाए तो वाकाटक वंश के राजाओं का नाम जो है सबसे पहले है बिंद शक्ति। 255 में गद्दी पर बैठते हैं, 275 में मृत्यु हो जाती है इनकी। प्रवर सेन उसके बाद में आते हैं, 275 से 235 तक शासन किया, 275 से 335 ईस्वी तक प्रवर सेन ने शासक किया। रुद्र सेन प्रथम उसके बाद में आते हैं, 235 ईस्वी से लेकर के 360 ईस्वी तक जो है शासन करने वाला जो राजा है वो कौन है? रुद्र सेन प्रथम है। उसके बाद पृथ्वी सेन आते हैं। पृथ्वी सेन जो है ये 360 ईस्वी से प्रारंभ करते शासन करना, 385 तक शासन करते हैं। उसके बाद रुद्र सेन द्वितीय आते हैं। रुद्र सेन द्वितीय 385 से 390 तक शासन कर पाते हैं, यानी कि जो है 5 साल तक शासन करते हैं। और इसके बाद में प्रवर सेन द्वितीय आता है। प्रवर सेन द्वितीय 410 ईस्वी से 440 ईस्वी तक शासन करते हैं, यानी कि 40-30 सालों तक लगभग शासन किया। उसके बाद में नरेंद्र सेन 440 ईस्वी से लेकर के 460 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इसके बाद में पृथ्वी सेन द्वितीय आते हैं, 460 से लेकर के 480-20 सालों तक शासन करते हैं। यहाँ पर नरेंद्र सिंह ने भी 20 सालों तक शासन किया। तो इस प्रकार से पृथ्वी सेन द्वितीय जो हैं ये वाकाटक वंश के अंतिम शासक माने जा सकते हैं। तो एक प्रकार से आप देखेंगे वाकाटक वंश 255 ईस्वी से लेकर के प्रारंभ होता है और 480 ईस्वी तक चलता है। आप सोचो कितना लंबा समय काल रहा। ओके, तो ये वाकाटक वंश के राजाओं का समय काल रहा है। ये ब्राह्मण धर्म के थे, मतलब कि ब्राह्मण जाति के थे। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 94 नंबर प्रश्न, हूड़ कौन था भाई? हूड़ कौन थे? तो हूड़ जो थे ये मध्य एशियाई एक खानाबदोश और जंगली जाति थी, यानी कि जनजाति थी। ये लोग व्यवहार से अत्यंत निरसंस थे, बर्बर थे, आतताई थे और इनका चीन से घनिष्ठ संबंध था होड़ों का। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, 95 नंबर प्रश्न है, होड़ों ने भारत पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? तो सन 458 ईस्वी में होड़ों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। इस समय भारत पर स्कंदगुप्त का शासन था और स्कंदगुप्त के कारण होड़ों का आक्रमण जो है विफल हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, 96 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, होड़ों ने भारत पर द्वितीय आक्रमण कब किया? तो 484 ईस्वी में होड़ों ने फारस के राजा को मार करके उस पर अपना अधिकार कर लिया और फारस विजय के उपरांत भारत पर द्वितीय आक्रमण इसने किया जिसमें गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था इस आक्रमण के बाद में। आगे देखते हैं, 97 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, मिहिर कुल कौन था भैया? तो 515 ईस्वी में तोरणमल की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसका पुत्र जो मिहिर कुल है वो शासक बनता है और अपने पिता से अधिक क्रूर और निर्दयी भी रहा है मिहिर कुल तोरणमल से भी ज़्यादा निर्दयी और क्रूर था। इसकी राजधानी साकल यानी कि सियालकोट थी। किसकी? मिहिर कुल की। ओके, 98 नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, ह्वेन सांग के अनुसार मिहिर कुल किस धर्म का था भैया? तो ह्वेन सांग जो कि चीनी यात्री हैं ये कहते हैं कि प्रारंभ में जो मिहिर कुल था ये बौद्ध धर्म में आस्था रखता था, बाद में वह बौद्धों का घोर शत्रु हो जाता है और शैव धर्म का अनुयायी हो जाता है। ठीक है, मिहिर कुल जो होता है। ओके, यानी भगवान शंकर का जो एक प्रकार से जो
मानने वाले लोग हैं उनको शैव धर्म कहा जाता है। 99 नंबर प्रश्न आपका है कि हरसेन कौन था। हरसेन देवसेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। वह वत्स गुल्लम शाखा का अंतिम ज्ञात नरेश, यानी कि जानकारी के हिसाब से अंतिम जो शासक रहा है वत्स गुल्लम शाखा का, वह अंतिम नरेश था और वह एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था हरसेन जो था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखें सभी लोग। प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न देखेंगे, हरसेन का राज्य विस्तार बताइए। हरसेन का राज्य उत्तर में मालवा से दक्षिण में कुंतल तक तथा पश्चिम समुद्र से पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। ये बात ध्यान रखें, हरसेन के बारे में तो पता ही होगा, हरसेन का राज्य उत्तर में आप देखेंगे मालवा से लेकर के दक्षिण में कुंतल जो प्रदेश है वहाँ तक फैला हुआ है, पश्चिम में समुद्र से लेकर के पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। तो आप सोचो बड़ा लंबा एक प्रकार से रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा इन चीज़ों को, क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखेंगे। 101 नंबर प्रश्न है, हूणों का पतन किस प्रकार से हुआ भैया। तो हूणों का पतन जो हुआ है, मिहिर कुल की मृत्यु के उपरांत अन्य शासक कमजोर हुए, मौखारी वंशीय ईशान वर्मा ने गंगा घाटी में उनको परास्त किया। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन व उसके भाई राज्यवर्धन ने हूणों की जो है रही सही शक्ति को समाप्त कर दिया। तो इसके बाद में कौन आते हैं भाई, प्रभाकर वर्मन और उनके जो लड़का है राज्यवर्मन, प्रभाकर वर्मन हर्षवर्धन के पिता हैं, हर्षवर्धन के भाई हैं राज्यवर्धन, राजश्री इनकी बहन है। तो ये सब इनके शासन काल आता है और इन सभी से जो कुछ बची शक्ति थी हूणों की सभी को ख़त्म कर देते हैं ये लोग। 102 नंबर प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तराधिकार के लिए आंतरिक कलह थी, इसीलिए गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। हूणों के आक्रमण से भी इस पर प्रभाव पड़ा। सामंतों का विद्रोह भी हो रहा था जगह जगह पर, इसलिए गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। और अहिंसात्मक नीति भी रही है गुप्त साम्राज्य के लोगों की, कुछ जो लास्ट वाले रहे हैं तो इसलिए इसका जो है एक प्रकार से पतन हुआ। 103 नंबर प्रश्न है, अंतिम गुप्त शासक कौन था। नरसिंह गुप्त अंतिम महान गुप्त शासक था। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल स्वतंत्र हो गया था, केवल उत्तरी बंगाल में गुप्त शासन बचा रहा था। 104 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, देखें बड़ाबट से एक बार वीडियो को शेयर करिएगा कि बासिन दान पत्र का क्या महत्व है। तो वाकाटकों की वत्स गुल्म शाखा के विषय में इससे जानकारी मिलती है। इस शाखा का संरक्षक सर्वसेन था, जिसे बासिम दानपत्र और अजंता अभिलेख में प्रवर सेन प्रथम का पुत्र भी कहा गया है बासिम दानपत्र को। तो ये बासिम दानपत्र के बारे में था, हालांकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं था बासिम दानपत्र के बारे में, बहुत गौण पात्र हैं तो वैसे जानकारी के लिए समझ लीजिए। बाकी जो है हर्षवर्धन के बारे में प्रश्न आता है, समुद्रगुप्त के बारे में प्रश्न आता है और जो है गुप्ता पीरियड से एक आध प्रश्न आता है, गुप्त की गुप्तकाल इतिहास का स्वर्ण युग है ऐसा प्रश्न आता है। और इसी प्रकार से और भी आप प्रश्न देखेंगे, जैसे कि और भी प्रश्न आते हैं, जैसे हर्षवर्धन से तो आता ही प्रश्न और हूणों से प्रश्न आ जाते हैं, मौर्य वंश में आप देखेंगे कौटिल्य से एक प्रश्न आता है, और इसके अलावा आप देखेंगे कौटिल्य के अलावा जो है जो मौर्य काल के यानी जिसको कौटिल्य राजा बनाया था चंद्रगुप्त, उनसे प्रश्न आता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ओके, तो ये सब क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्षवर्धन 105 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, हर्ष का धर्म क्या था। तो प्रारंभ में हर्ष शैव धर्म के अनुयायी थे, ह्वेनसांग के प्रभाव से बाद में हर्ष ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, ओके। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्ष काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार विभाजित थी। तो हर्ष काल में प्रांत, मतलब हर्ष के शासन काल में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, जिले को विस कहा जाता था, तहसील को तालुक कहा जाता था और पथक और ग्राम को गांव ग्राम कहा जाता था। तो देखिए हर्ष काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था, जिले को विस कहा जाता था, तहसील को तालुक कहा जाता था, आज भी कितने तालुकदार हैं, पथक को क्या कहा जाता था, पथक या गांव को ग्राम कहा जाता था, ओके। हर्ष लिखित रचनाओं के नाम बताइए, जिन हर्षवर्धन ने जिन रचनाओं को लिखा उसका नाम बताइए। तो हर्ष स्वयं एक अच्छा कवि और नाटककार भी रहे हैं, नागानंद इनकी रचना है, प्रियदर्शिका इनकी रचना है और रत्नावली ये हर्ष की रचना है जो कि बड़ी फेमस है, ओके। अगला प्रश्न देखेंगे, 108 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा कैसी थी, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा कैसी थी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा कैसी थी भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देखें नालंदा विश्वविद्यालय में देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग और लगभग 10,000 छात्र शिक्षा पाते थे। कितने लोग, 10,000 छात्र जो है शिक्षा पाते थे।
चीन, मंगोलिया आदि देशों से भी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। उनको भोजन, वस्त्र, बिस्तर, दवा, शिक्षा सभी फ्री में यानी मुफ्त में दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। सोचो पहले फ्री में शिक्षा दी जाती थी। 109 नंबर प्रश्न है, मौखारी कौन थे भाई? तो मूल रूप से गया जिले के निवासी मौखारी जो थे वो गुप्त वंश के सामंत थे और गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद में इनको उनका स्थान ले लिया, मतलब इन्होंने उनका स्थान ले लिया और कन्नौज में अपना राज स्थापित कर लिया। किसने? मौखारियों ने। ओके, मौखारी वंश की बात की जाए, प्रश्न आपके समक्ष पूछा जा सकता है कि मौखारी वंश जो था, मौखारी वंश की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? तो मौखारी वंश की बात किया तो हरहा, जौनपुर, बराबर और नागार्जुनी जो लेख है यहाँ से, असीरगढ़ का जो मुद्रा लेख है यहाँ से, बड़वा यूप जो अभिलेख है वहाँ से, सोन जो है सोहनाग का जो लेख है और फैजाबाद जिले के भिटौरा नामक स्थान से प्राप्त जो मुद्राओं का ढेर है, इन सभी में आप देखेंगे इन सभी से मौखारी वंश की जानकारी हमको मिलती है। ये सब मौखारी वंश के पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा 111 नंबर प्रश्न देखिएगा। 111 नंबर प्रश्न है, ह्वेन सांग ने भारत की तत्कालीन कालीन आर्थिक दशा का क्या वर्णन किया? ह्वेन सांग ने भारत की तत्कालीन आर्थिक दशा का क्या वर्णन किया भैया? तो ह्वेन सांग ने के अनुसार अधिकांश लोग कृषि करते थे भारत में, वैश्य व्यवसाय क्या करते थे, गरीबों के घर ईंटों अथवा लकड़ी के बने हुए होते थे जिन पर सुंदर चित्रकारी होती थी, देश धन धान्य से पूर्ण था। ये ह्वेन सांग जो हैं वो भारत की तत्कालीन स्थिति यानी जिस समय ह्वेन सांग थे उस समय की आर्थिक दशा के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं भारत आज से बहुत पहले बहुत आगे था। प्राचीन काल के भारत को आप देखेंगे आज के भारत से बहुत आगे था। ओके, 112 नंबर प्रश्न देखेंगे आप। 112 नंबर प्रश्न है, हरहा अभिलेख से ईशान वर्मा के विषय में क्या जानकारी मिलती है? हरहा अभिलेख से ईशान वर्मा के विषय में क्या जानकारी मिलती भैया? तो हरहा अभिलेख के अनुसार ईशान वर्मा जो है वैदिक धर्म एवं संस्कृति का उन्नायक था। उसके शासनकाल में पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर कलयुग का अंत तथा त्रयी धर्म का पुनर्जन्म होता है और इसके पुत्र सूर्य वर्मा ने छेमेश्वर यानी कि शिव के जो है भग्न मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था यानी मरम्मत करवाई थी। हरहा अभिलेख से ईशान वर्मा के विषय में यही जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 113 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि हर्ष ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या विशेष कार्य किया था? तो हर्षवर्धन ने साल में एक बार बौद्ध भिक्षुओं की एक सभा बुलवाता था जिसमें वाद विवाद होती रहती थी, कोई जो जो संकट है या फिर जो चीज़ें हैं उसका निपटारा होता था और वह 100 बौद्ध भिक्षुओं और 500 ब्राह्मणों को प्रतिदिन गुजारा मतलब कि चलाता था। कौन? जो हर्षवर्धन था। इस 100 बौद्ध भिक्षुओं और 500 ब्राह्मणों का प्रतिदिन गुजारा चलाता था। कौन? जो हर्षवर्धन था। तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म पहले हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, इसीलिए 500 ब्राह्मणों को प्रतिदिन गुजारा करवाता था और चूंकि बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया इसीलिए 100 बौद्ध भिक्षुओं को भी एक प्रकार से क्या करने लगा, ये जो है उनको भी खाना वगैरह देने लगा, उनको गुजारा करने लगा। आप सोचो कि ये राजा के अच्छे गुण होते हैं कि हर एक धर्म को आगे बढ़ने का मौका दे, किसी धर्म को दबाए ना और सब धर्म संपन्न मतलब कि हर एक धर्म का एक प्रकार से पालन करे, तो राजा का परम कर्तव्य यही होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 114 नंबर, भले ही वो कोई दूसरा धर्म अपना ले लेकिन किसी दूसरे धर्म की एक प्रकार से आलोचना न करे, उसकी बुराई न करे। 114 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, क्या हर्ष एक निरंकुश शासक था? बिल्कुल नहीं था, हर्ष एक प्रजावत्सल शासक थे, प्रजा के हिसाब से शासन किया करते थे। उसके लिए जितना महत्व जनता की सेवा करना था उतना राजपद का जो है नहीं था और वह प्रजा को सब प्रकार से सुखी बनाना चाहता था। ये बात जो है हर्षवर्धन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसको एक महान शासक के रूप में हमारे समक्ष प्रकट करती है, एक अच्छे शासक के रूप में। प्राचीन भारत में हर्ष का क्या महत्व है भाई? तो प्राचीन भारत के इतिहास में हर्ष का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वह उत्तरी भारत का प्रसिद्ध हिंदू सम्राट था जिसने समस्त आर्यावर्त पर शासन किया। उसके शासनकाल में विद्या, कला और साहित्य की पर्याप्त प्रगति मतलब प्रगति हुई, बहुत विकास हुआ इन सभी का, विद्या का, कला का और साहित्य का भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में। 116 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, एक बार सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ, सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके,
हर्ष के शासन की ग्रामीण व्यवस्था किस प्रकार की थी भाई? तो हर्ष के शासनकाल की ग्रामीण व्यवस्था किस प्रकार से थी? ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ग्राम के अधिपति को महत्तर कहा जाता था। ग्राम में शासन के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी हुआ करता था जिसे ग्रामाक्ष पटलिक कहते थे। इसका कार्य ग्राम के राजकीय जो आय व्यय होती है उसका लेखा जोखा इकट्ठा करना होता था। यानी कितना आय हुई है, कितना खर्च हुआ है, उसका लेखा जोखा इसके पास होता था। तो इसके किसके पास? ग्रामाक्ष पटलिक के पास जो है इसका लेखा जोखा होता था। ग्राम के शासन द्वारा नियुक्त एक अधिकारी था जिसको हम क्या बोलते थे? ग्रामाक्ष पटलिक बोलते थे। तो इस प्रकार से यहाँ तक लगभग आप लोगों ने सारे के सारे आठों इकाइयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लिया। विस्तार से हमने हर एक चीज़ को समझा दिया, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे प्राचीन इतिहास के बारे में आप लोगों ने जानकारी ग्रहण कर ली। आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले इतिहास के अध्ययन के स्रोत में आपने साहित्यिक स्रोतों के बारे में जाना, ऐतिहासिक सीमाओं के बारे में, बहुत साहित्य, जैन साहित्य, पौराणिक साहित्य, यात्रा वृत्तांत, लौकिक साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरालेख जिसमें मुद्रा शास्त्री साक्ष्य, इन सभी के बारे में बताया हमने। इकाई वन, इकाई टू में यानी कि महाजनपदों का विकास हमने आपको बताया, गणतंत्र का उदय कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य का उत्थान, हरियक वंश, उसमें शिशु नाग वंश, नंद वंश, ईरानी व ग्रीक आक्रमण का प्रभाव कैसे कैसे रहा इसको बताया हमने। तीसरी इकाई के माध्यम से हमने लेकिन प्रश्नों को मैंने बताया। हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के से प्रश्न रखा, प्रमुख शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन सभी के बारे में बताया। अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक की धम्मी नीति, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इन सभी के बारे में बताया। इसके अलावा शुंग वंश, कनौ वंश, सातवाहन वंश, खारबेल, इन सभी के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा भारत पर जो विदेशी आक्रमण हो, चाहे इंडो ग्रीक आक्रमण हो, चाहे शक पर्थियन आक्रमण हो, चाहे कुषाण आक्रमण हो, इन सभी के बारे में बताया। गुप्त वंश के उदय के बारे में बताया। समकालीन राजनीति की स्थिति के बारे में चर्चा कर ली। जो महान गुप्त शासक हुए जैसे कि चंद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सभी के बारे में जाना। इसके बाद में वाकाटक वंश, कमजोर गुप्त शासक, गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ, हूण आक्रमण कैसे कैसे, इन सभी के बारे में समझा। उसके बाद गुप्त वंश के पतन के पश्चात जो भारत की राजनीति की स्थिति थी, यानी कि उसमें आप देखेंगे वर्धन वंश, मौखारी वंश और परवर्ती गुप्त वंश, ये जो आते हैं इनके बारे में जो प्रश्न थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमने चर्चा करी। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है समाप्त हो जाता है। एक चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, ये महासंग्राम रिविजन क्लास, इससे पहले वाली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। इससे पहली वाली क्लास जो है पार्ट वन के नाम से है और इसके बारे में ये पार्ट टू है, और वो एक घंटे क्लास वो भी हुई थी और ये एक घंटे क्लास है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। इस वीडियो को जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। अनिवार्य प्रश्न पत्र है, सभी दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, जीबीएससी, होम साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टॉप 100 इसमें प्रश्नों को समाहित किया गया है जो कि आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ संबंधित है। अनिवार्य प्रश्न पत्र है, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है इसमें। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का भी रिवीजन क्लास आपके समक्ष अवेलेबल है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इसका महासंग्राम रिवीजन क्लास हो चुका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का, जल्द ही इसका एक और लिखित मॉडल पेपर दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव और लिखित मॉडल पेपर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो सारे के सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे। ओके, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।